अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड वीडियो के साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि आप लोगों ने इतने ज़्यादा मैसेज मैं बता नहीं सकता। तो उसके बाद भी अगर मैं ना आता तो ये तो फिर गलत हो जाता ना। वो एक वो भी है, क्या बोलते हैं, एक डायलॉग है, आपने वो देखा होगा, ओ भाई मारो मुझे मारो वाला भाई। उसने बोला था कि मोहब्बत दोनों तरफ से होती है, एक तरफा मोहब्बत नहीं होती। तो अगर आपने अपनी तरफ का प्यार मुझे दिखाया, मोहब्बत दिखाई, तो मेरी साइड की भी बनती है ना। तो गाइज हम आ चुके हैं और इंशाल्लाह मैं आइंदा जो है एकदम इग्नोर करूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनोनिमस देखोगे इंशाल्लाह। तो सुनाते हैं आपको सस्ती शायरी। क्या अर्ज़ किया है, इस्लामाबाद में है पहाड़ और पहाड़ में है गार, वाह 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 वाह, देख रहे हो लेजेंडरी शायरी। इस्लामाबाद में है पहाड़ और पहाड़ में है गार, अनोनिमस की तरफ से अनोनिमस की पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्यार। सस्ती शायरी, अजीब अजीब सी शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो हम आए थे नोवो यानी कराची और फिर यहाँ पे लूट कर रहे थे मज़े से। और यहाँ पे गाइस एक टीम उतरी थी जिसका एक बंदा कहीं गया होगा जर्की लैंग्वेज करने के लिए, और एक बंदा जो था वो बेचारा, बाकी तीन जो आए हुए थे वो नोवो कराची, और एक बंदा कहीं दूर कर रहा होगा लूट। अब नज़र तो कोई आया नहीं, मैं लैंड करा रहा होता ना तो गाइस मुझे सही से नज़र नहीं आते। मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई आप स्पॉट कर लो। मिडिल वाले कंटेनर पे आए और यहाँ पे मैं ऐसे जंप वंप कर रहा था तो मुझे एक बंदा नज़र आता है गाइस, देखना सामने नज़र आएगा आपको, वो नज़र आया, मैं स्पॉट किया, बट यहाँ पे ना उसको डैमेज तो हुआ लेकिन रेड डॉट या होलो नहीं था ना, तो मैं मिस कर गया और वो बंदा नीचे कर देता है जंप। लेकिन हम आ जाते हैं आगे और वो सबके सब मुझ पर रश करेंगे, और आप मेरे टीममेट को देख सकते हो जो कि काफ़ी दूर है मुझसे। अगर अभी तक आपने लाइक बटन नहीं ठोका गाइस तो ठोक दो लाइक बटन एनोनिमस की पब्लिक। और अब राइट पे एक बंदा सीमेंट्री की तरफ भाग के आएगा, बाकी लेफ्ट से एक बंदा आएगा। इस भाई को तो हमने कर दिया डाउन, अब लेफ्ट से भी एक बंदा आ रहा है। ऐसे कैसे बाबा जी, ऐसे कैसे अब हमको डाउन कर सकते हो? एक नॉक पड़ा गाइस, ये कंफर्म कर दिया। अब जो नॉक वाला उसको रिवाइव देने के लिए इनका एक और बंदा आने वाला था, हम उसका मज़े से कर रहे थे इंतज़ार के माही आवेगा मैं फुल्ला नाले धरती सजाऊंगी। अगर आप 90s के बच्चे हो ना तो आपने नूर जहाँ का ये गाना लाजमी सुना होगा, हम 90s के हैं तो हमने सुन रखा है माही आवेगा। अरे सर जी, देखो गाइस इसको कहते हैं किल चुराने का लेवल 99999। अभी इस मैच में आप देखोगे कि हमारी टीममेट ने हमारे कितने किल चुराए, इनको कुछ बोल भी नहीं सकते ना, तो बस बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन किल चोरी की जो लिमिट होती है ना वो ख़त्म हो गई थी, लाइक मैं समंदर की तह जो है ना वो बस मैं मिसाल नहीं दे पा रहा कौन सी मिसाल देनी चाहिए यहाँ, लेकिन बस बर्दाश्त से बाहर हो गया था। फिर हम मज़े से कर रहे थे बाबा जी लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 इस कॉल्ड लूट का नो मजाक बाबा जी। और हमारा दूसरा लॉ जो था वो था व्हेन यू सी द बंदा यू जस्ट रन एंड निकालिंग गन एंड मारिंग बंदा इस कॉल्ड किल का नो मजाक। गैस पोचिंग किया गए थे अपने स्क्वाड हाउस यानी पिंडी अनोनिमस हाउस में, मैं भी अटक गया अनोनिमस, पता गैस मुझे खुद नहीं आता था बोलना, जब मैं अनोनिमस नाम रखा था ना मैं उसको बोलता था अनोनिमस, और मुझे नहीं पता था इसको प्रोनाउंस करते हैं अनोनिमस, और मेरे को बाद में आया लॉल। तो गैस यहाँ पे प्लेयर चला थी, मज़े से कर रहे थे वेट, दो प्लेयर चली थी मिल्ट्री वाली साइड पर, नीचे आए थे एक गाड़ी, ये तीन बंदे थे, तीनों हमारे पाकिस्तानी भाई लोग थे। और आपको पता है हमने डायमंड से क्राउन में आ गया, हमारा क्राउन 5 चल रहा है मिडल ईस्ट में भी और यूरोप में भी, दोनों में क्राउन 5 चल रहा है गाइस। ये हमारा यूरोप सर्वर है और क्राउन 5 है, इंशाल्लाह हम एस करेंगे अब मिलके। इनको क्या पता था कि ऊपर अनोनिमस भैया बैठे हैं, और ऐसे नेड नहीं कर सकते सर, अब डार्क हमारा भैया को नॉक किया, इनको फिनिश करेंगे। यहाँ पे पैन पे शॉट्स लगे तो भाई बच गए, लेकिन बचने दे ही नहीं सकते वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ पे हमने कंफर्म किया, सामने इनके टीम में थे, डैमेज दिया, वापस अंदर भागे। और पिंडी है तो आपको 125 की आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर कीजिएगा। फिर मैंने एक नेड निकाला गाइस और नेड में वहाँ पे फेंकूंगा, और ये देखो कोइंसिडेंस, मेरा ड्रॉप मेरे सर के ऊपर आ गया, मुझे पता भी नहीं था। और मैं यहाँ पे लेवल 3 उठा लिया, बाकी मैं कोई गन उठा नहीं रहा था तो वो ड्रॉप नीचे गिर जाता। चलो लेवल 3 उठा लिया, दुख भी लेवल 3 का होता है गाइस, गन तो आप मार के भी ले लोगे, लेवल 3 ना ले लें उसका दुख होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे इतनी खुशी हुई, कभी आपके साथ ऐसा हुआ लाइक ऐसा कुछ अचानक से जिससे आपको शौक लग गया अचानक से, वो ये क्या हो गया? मुझे यहाँ पे मिल जाता है लेवल 3, और उसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, सामने एक अलग स्क्वाड आ जाता है गाइस।
तो गाइस यहाँ पे मैं जो आपको चीज़ बताऊँगा आपको बहुत गौर से सुननी है और गौर करना है उस पर कि किल फील्ड में आपको हमेशा बोलता हूँ गौर से देखा करो। अभी आपको पता है दो स्क्वाड थे पोचिंग की में, ठीक है, हमारे अलावा एक सामने एक हमारे कंपाउंड के मतलब अनोनिमस हाउस के नीचे। ये देखो स्कारल से नॉक किया, नीचे नॉक हुआ था, ये देखो फौरन से मैंने जंप किया गाइस, जब मुझे करना भी चाहिए था क्योंकि ये दो ही बंदे थे। जब मुझे पता चला कि दूर से स्कारल से एक बंदे ने नॉक किया, मैंने जंप करके दूसरे बंदे को मार दिया। एक गलती की यहाँ पे, मुझे नॉक वाले को फिनिश करना चाहिए था पहले, उसका किल भी मुझे मिल जाता, बट कोई बात नहीं बाबा जी, खैर है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़क अच्छे के लिए होता है, टेंशन नहीं लेनी, बस एक किल में खुश हैं। लेकिन हम नीचे वाले बंदों को क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने M249 उठा ली गाइस और मज़े से कर रहा था लूट। सामने एक स्क्वाड बाकी और यहाँ पे अभी एक और अरबियों की गाड़ी आ जाएगी बाबा जी, क्योंकि इनको भाई हमें सुकून से लूट करता देखता है अच्छा नहीं लगता है इनको। मज़े की बात, गाड़ी ब्लास्ट टाइम ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन उससे अच्छी बात इनकी गाड़ी है जो कि उन्होंने पहले से दरवाजे पे लगा रखी है, तो हम वहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो भाई को यहाँ पे बॉडी शॉट दिया मैंने, भाई पीछे भाग जाएंगे और गाड़ी एक और आ जाती है। गैस मैंने काफ़ी डैमेज दिया, वो बंदे लेफ्ट वाले छोटे जो ब्लू कलर का कंपाउंड है इसके पीछे रुक चुके हैं। वो टीममेट को बोला तो हमने गाड़ी यहाँ पे दरवाजे पे लगाई, यहाँ से मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ। तो M249 रीलोड करने के बाद में फ़ौरन से वापस क्वार्टर्स में चला गया और अब हम जाके देखेंगे। अब गैस जो नीचे सामने जो छोटे कंपाउंड के पास स्क्वाड है ना, वो काफ़ी सैंडविच हो चुका है, क्योंकि राइट वाले पाकिस्तानी जो हमारे टीममेट्स हैं, लाइक हमारे मुल्क के हमारे भाई लोग हैं, वो भी इनको मारेंगे। और ये भाई तो शायद से ना रिवाइव दे रहे थे, मैंने पे नॉक किया और अलग स्क्वाड ही सामने दो जगह फाइट दे रहा था। मैं एक और नॉक दिया गाइस, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया के अनोनिमस ने। रीलोड करेंगे अपनी कान एंडेड। अभी दोनों टीम से मैं ही फाइट ले रहा था मज़े से, इधर भी मार रहा था उधर ही मार था, वो रिवाइव देने जा रहा है और मैं मतलब थोड़ा सा आगे हिल रहा था और जंप कर रहा था सिर्फ, पता नहीं कैसे क्लाइम करके नीचे गिर गया, ज़िंदगी खतरे में आ गया अचानक से, फिर वापस से ऊपर जाएंगे। किस किस के साथ गाइस ऐसा होता है कि अचानक से नहीं करना मतलब जब जंप नहीं करना होता ना तब जंप हो जाता है। तो खैर बच गए, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, पिंडी है ना बड़ा शहर है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। यहाँ पे बॉडी शॉट मारा गाइस, कैसे छोटी छोटी जगह से एंगल ले रहे हैं ये लोग, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। और ये शॉट जब मैं मारने लगा बेचारा फौरन उसी टाइम पर मूव कर जाता है। अब इनका एक टीममेट क्या गाइस अक्ल इस्तेमाल करेगा, ये बेचारा नॉक पड़ा था वहाँ पे, ये नॉक पड़ा था, नॉक वाले को मैंने कन्फर्म कर दिया। अब इनका एक टीममेट क्या करता है, पीछे भाग जाता है इस वाले कंपाउंड में। मैं वेट करता जैसे पीक लेगा, कान के नीचे लगाऊं भाई नॉक करूं उसको, लेकिन ये भाई साहब जो हमारे पीक नहीं दे रहे थे और बाकी इसके दो टीममेट नीचे से पीक ले रहे हैं, तीन बंदे हैं गाइस ये। अब मैं तीनों को यहाँ पे तीनों को स्कोपिंग करके देख रहा था, यहाँ पे मैंने नॉक किया लेकिन मज़े की बात मेरी भी हल जा चुकी है। अब मैं अपने टीममेट को बुलाया कि आप छत पे आओ और वो बंदा उसको रिवाइव देने पीछे जाएगा, हम दोनों स्प्रे देंगे तो वहाँ पे मारेंगे। मैं मार करके भी अपने टीममेट की हेल्प के लिए बता दिया और जैसे वो बंदा जाने लगा हमने स्प्रे दिया उसको। अभी पीछे भागेगा गाइस वो रिवाइव देने के लिए, स्मोक कर रहे थे ये लोग बट वो चला गया। लेकिन हम इसका जो है ना लाइक थोड़ा सा हमारे लिए गलत हुआ कि वो जा चुका है, बट हम इसका फ़ायदा उनको नहीं उठाने देंगे। मज़े के बाद जो सामने वो तो अकेला रह गया ना, तो हमने इस पर रश कर दिया, इसको नॉक किया गाइस, ये तो अकेला रह गया था ना वहाँ पे, दो हो गए तो क्या हुआ, इसको नॉक किया, रीलोड करेंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड अभी भी ज़िंदा है, तो हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं कि बीच में सैंडविच हो सकते हैं हम और हो भी जाएंगे। ये दूसरा बंदा डाउन किया गया, जब इनका एक ही बंदा बचा है, मेरी हेल्थ कम है और मेरी वेस्ट जो है ना वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट उड़ चुकी है, तो इसने मुझे बड़ी जल्दी डाउन कर दिया। इसी वजह से बैरल थी इसके पास, मेरी वेस्ट डैमेज थी, हेडशॉट लगे आए गए इसके मुझे एक दो, तो शायद मैं इसलिए डाउन हो गया। और यहाँ पे मैं एक गलती की गई, मैं गलत जगह रिवाइव ले रहा हूँ, वो आप देखोगे। फिर यहाँ मुझे सच में लगा था कि हम मर गए, लाइक जब मैच में थे ना मुझे लगा बस बैंड बच गई, ये देखो वही हो दोबारा नॉक हो जाता हूँ। लेकिन भाई का स्प्रे थोड़ा सा अगर और अच्छा होता ना तो शायद से हम फिनिश जाते हैं यहाँ पे, बट भाई के स्प्रे ने थोड़ा सा बिगाड़ दिया काम को। मैं अपने टीममेट को बोला भाई मैं पीछे जाके हील करूँगा, राइट से बंदा आ रहा है, अब इसको नॉक करो, मैं पीछे जा रहा हूँ, रुक नहीं सकता यहाँ पे। तो भाग के यहाँ पे आ गया जिसको हम गटर बोलते हैं। यहाँ आने के बाद हम फर्स्ट एड लगा के अपने आपको हील कर रहे हैं और बाबा जी वहाँ पे बंदे कर रहे हैं हमारे टीममेट पे रश। फौरन से ऊपर जाऊँगा, एक क्लोज आ गया, तो इस भाई को तो पता भी नहीं था कि मैं पीछे हूँ, तो यहाँ पे डाउन किया, आगे की तरफ रश करेंगे। आई गेस एक ही बंदा बचा है और वो राइट पे था एकदम। मैं टीममेट से पूछे जब तक उन्होंने बताया, मैं वहाँ पर गया तब तक उसकी बैंड बच चुकी थी। तो बाबा जी यहाँ पे हमने बहुत कुछ हुआ और टक से वापस आ गए, काफ़ी मेहनत की अपना ड्रॉप बचाने के लिए और पिंडी में अपनी इज्जत कायम रखने के लिए, स्क्वाड हाउस में अपनी इज्जत कायम रखने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ी इस गेम प्ले में हमें, बट बाबा जी हमने फाइनली सर्वाइव कर ही लिया।
चार टीम्स थी गाइस, देखो एक ने रश किया ठीक है, और तीन थी हाँ, चौथी हम थे, ठीक, चौथी टीम हम थे, एक नीचे आई थी और दो सामने थी, गर्बियों की और एक ये पाकिस्तानी, तीन टीम चौथी हम गाइस यहाँ पे आए थे। मेरा था स्क्वाड में जाऊँगा, तो यहाँ पर आकर देखा मैं पीछे रिच पे रोक लिया था, टीममेट को बोला भाई पीछे रिच में रोको, काफ़ी ज़्यादा लाइव है, सर्कल छोटा है, देखते हैं अगर स्क्वाड में बंदे ना हुए तो आगे जाएंगे। यहाँ पे रोका था ये भाई भाग रहे थे, पहले बॉडी शॉट मारा फिर M249 से स्प्रे करके डाउन किया, मैं चाहता था कि भाई हम क्लोज चले जाएँ, यही मौका है। लेकिन गाइस यहाँ पे भी दो स्क्वाड होते हैं, सर्कल काफ़ी ज़्यादा छोटा है और 24 अलाइव, मतलब सर्कल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अलाइव थे। अब जो मैंने नॉक किया था ना अपने पाकिस्तानी भाई को, उनको कर देंगे अरबी फिनिश। ये देखो लेफ्ट में किल फील्ड में मेरा किल चोरी हो चुका है, किल फील्ड में पता चल जाता है, इसलिए किल फील्ड आप आदत डाल लो देखने की तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा किल कंफर्म हो चुका है, मुझे नहीं मिला। अब सामने एक बंदे का साउंड आया था मेरे टीममेट को, ये पानी के पास जो है ना बिल्कुल सामने आ चुका था, मैंने इनको बोला भाई जहाँ से आपको साउंड आया आप नेट करो, इतनी देर में कुछ नज़र आता है, मैं भाई को यहाँ पे नॉक किया और वो पानी में गिर के हो गए फिनिश, तो हमें किल मिल गया। अब मज़े की बात गाइस क्या थी कि यहाँ से चला जाता है जोन हमारे पास से और हमें यहाँ से निकलना था, तो हमने M249 रीलोड की, फिर थोड़ा सा वेट किया था यहाँ पे, उसके बाद जब हमें पता चला ना जोन नहीं है, अपने टीममेट को बोला भाई गाड़ी देखते हैं, हमारी तो गाड़ी मैंने बड़ी अच्छी पार्क की थी तो वो तो आने से रही, टीम यहाँ पे एनिमी की गाड़ी थी, टीममेट को बिठाया गाड़ी में और हम यहाँ से निकले। गाइस देखो वाटर सिटी मतलब आगे जो था ना ब्रिज, आपको पता है जॉर्ज जाते हो ब्रिज आता है, सारा जोन ब्रिज के ऊपर और वो उस आइलैंड पे था, तो कंपाउंड कोई नहीं थे, तो मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, मुझे पता था राइट पे स्क्वाड्स में बंदे होंगे और वहाँ पे जोन जो है टिकने वाला नहीं है, वहाँ नहीं रुकते, ऐसे गेस किया और एकदम वाटर सिटी के एच पे आ गया कि अगर यहाँ से जोन जाता था तो मेरे लिए निकलना ईजी हो जाए। फिर यहाँ आके मैंने थोड़ा सा होल्ड किया, एकदम एच पे रुक गए थे, क्योंकि यहाँ से क्या फ़ायदा होगा गाइस, जो लोग वाटर सिटी के अंदर हैं वो भी हमारे लाइक हम उनका भी जोन काट देंगे, ठीक है, जब अब देखो सब हमसे पीछे हो गए, इनका भी जोन हम काट देंगे, और अगर जोन यहाँ से निकलता है तो हम बिल्कुल एच पे हम यहाँ से निकल भी सकते हैं। तो ये कल हमने इस्तेमाल की थी, स्क्वाड्स में भी बंदे थे, ये भाई छत पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके बम पे हमने गोली मारी लेकिन ये नॉक नहीं हुआ, फ़ौरन से नीचे गिर जाएंगे, इनको पता चल गया कि भाई नहीं हमें ऊपर नहीं चलना चाहिए। और गाइज ये जो वाटर सिटी के अंदर स्क्वाड्स है ना इसमें भी बंदे मुझे स्पॉट होता है, खोपड़ी नजर आई, मैंने level 3 पर हेडशॉट मारा, नॉक नहीं हुए, level 3 हेडशॉट लगा था, तो कार एंटीड थी इस वजह से भाई हमारे नॉक नहीं हुए। और ये गाड़ी आ जाती है गाइस चार लोगों की, ये रश करती है सीधा स्क्वाड्स वालों के ऊपर, समटाइम आपके फैसले आपको बचा लेते हैं, अगर मैं वहाँ जाता तो देखो थर्ड पार्टी हो जाते, तो इसलिए हम बच गए और वहाँ पे हो जाता है बड़ा गंदा वाला दंगा फसाद स्क्वाड्स में, लेफ्ट वाले में एनोनिमस हाउस में, और जहाँ पे भी बंदे थे तो हमने टीममेट को ना थोड़ा सा अलग भेज दिया था कि भाई अलग अलग एंगल पकड़ते हैं हम, एक नेड से हमने नहीं पटना, छोटी सी ना एक नेड आया तो दोनों भी मर सकते हैं, फिर से हम जोन में थे, एक अच्छा डिसीजन हमें अभी तक जिंदा रखे हुए था, वहाँ पे भाई गलत ही फाइट चल रही थी गाइस। और मज़े की बात वो स्क्वाड्स जैसे हमने तुक्का लगाया था जोन से बाहर हो चुका है। अब यहाँ मैंने भाई को नॉक किया, शायद इनका level 3 हेलमेट डैमेज होगा इसलिए ये नॉक हो गए, और फिर मैं जंप करके ऊपर आया, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल की और अपना किल जो है ना वो हमने कर लिया बाबा जी कन्फर्म, क्योंकि किल का नो मजाक, किल बार बार अब चोरी हो रहे हैं, टीममेट चुरा रही है और ये एनिमीज चुरा रहे हैं, फिर हम ऐसे तो भाई नहीं, ऐसे कैसे बाबा जी। रीलोड करेंगे अपनी M249, अभी एक और बंदा बाकी है गाइस, ठीक है, इस सामने वाले एनोनिमस हाउस में स्क्वाड हाउस में, और उसके बाद जोन नहीं है बट वो राइट में मूव कर सकता है, एकदम राइट में जोन जा सकता है वो, क्योंकि वहाँ वाले कंपाउंड जोन में है। ऐसे ही एक नेट फेंका था मैंने, नेट फटा बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो अंदर था, नेट बाहर था। और यहाँ पे गाइस जोन आ रहा था, स्क्वाड्स वाले ना अब ओपन से भाग के आ रहे थे, गाड़ी नहीं ली उन्होंने, जैसे मैंने उनको देखा मैंने टीममेट को बोला भाई चलो रश करते हैं, और हमने आगे की तरफ कर दिया रश। अब पीछे से पड़ने का ख़तरा था गाइस, लेकिन यहाँ पे हमने रिस्क लिया, लाइक जो शायद से नहीं लेना चाहिए था बट हमने लिया, और आगे आके जोन भी वहाँ से चला जाता है, तो मतलब कुछ परसेंट ठीक भी था फैसला, कुछ परसेंट गलत भी था। एम करके देखा साउंड आ रहा था बट नहीं आया, उसको ट्रैक होता है, यहाँ पे इसने भाई ने थोड़ा सा मुझे डैमेज दिया, मेरी हेल्थ तकरीबन 30-40% जा चुकी है, और इसके बाद मुझे यहाँ पे समझ लगी कि मुझे शायद से थोड़ा सबर करना चाहिए और हील करना चाहिए। एक नेड किया, पीछे रिवाइव होने जा रहा था, टीममेट को बोला भाई मेरा किल कंफर्म कर दो प्लीज़, तो किल कंफर्म हो गया, नेड किया डैमेज हुआ होगा, फिर अपनी M249 रीलोड करेंगे। अब वो तीन बंदे बचेंगे गाइस, एक हमने उनका कंफर्म कर दिया, एक स्मोक आया मेरे ऊपर जो टीममेट ने हेल्प की थी, तो ये तो चलो अच्छी बात है। अब सामने एक और टीममेट ने मेरे ना नॉक किया, वो जो सामने से बंदे आ रहे थे गाइस, तो हम ना वहाँ पे रश करेंगे, मैं एडलिन मार रहा था लेकिन रश करना बनता था तो मैंने बूस्ट नहीं किया, फिर आगे रश कर देता हूँ। और यहाँ पे भी देखना हमारे दो दो किल चोरी होने वाले हैं, बता रहा हूँ, ये गया और ये मेरा दूसरा किल चोरी हुआ, नहीं मतलब क्या
चलो खैर मैं नॉक भी हो सकता था, वैसे हेल्थ कम है, लेकिन फिर भी किल तो चोरी हुआ ना। तो मज़े से करेंगे M249 रीलोड, मतलब किल चोर टीममेट, भूखे नंगे टीममेट हमारे, देखो कैसे लूट रहे हैं दोनों हाथों से। कोई बात नहीं, अभी हमने यहाँ पे M4 उठा ली गाइस, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आगे स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट में हमारी फाइट होने वाली है पाकिस्तानी स्क्वाड से। ये पाकिस्तानी स्क्वाड है गाइस, इनके पास काफ़ी अच्छी पोजीशन थी, तो यहाँ से ना जोन में मूव करते स्प्रे दिया मैंने। 6x यूज़ करना चाहता था तो मतलब स्टेबल ज़्यादा M249 से M4 पे रहेगा ना, इसलिए हमने अपनी M4 उठा ली। तीन लोग वहाँ से जोन में मूव कर रहे थे, दो हम, पाँच और एक मुझे पता नहीं, बट एक बंदा सामने होगा गाइस, एकदम वो सामने दरख्त से मार रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे साइड पे आके लेट जाता हूँ। अच्छा स्प्रे दिया था उसने। अब फिर आके मैंने इसको ज़रा अपने निशाने पे ले लिया कि सर जी आपने हमारे बम पे गोली मारी, इतनी आसानी से हम आपको जाने नहीं देंगे। मैं ब्रिज से आ गया, बट एक बंदा जोन से मर जाता है। ओके नाइस, और मेरी टीममेट जो वो पानी से आ रही थी। तो अब फाइट है 1v2v3, सामने अकेला, हम दो और लेफ्ट में हमारे तीन बंदे पाकिस्तानी। तो यहाँ पे ये भाई तो काफ़ी देर वेट करते हैं, लेकिन इनको जोन में आना था तो यहाँ से इनको भागना पड़ेगा, और ये भागेंगे भी। तो इनको तो यहाँ पे गाइस हमने कंफर्म किया। अब गाइस फाइट थी 3v2, तीन पाकिस्तानी दो हम। अब जोन तो मैं आगे आ गया था, तो यहाँ पे जोन था, लेकिन सांप बन के खेलने में वो उतना मज़ा ना आता ना, तो मैं थोड़ा सा सांप तो बनता हूँ जब ज़रूरत पड़ती है, बट ज़्यादा बन जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। आप लोगों को भी सांप बन के क्या देखने वाला है। यहाँ पे इस भाई को मैंने डाउन किया जो कि काफ़ी अच्छा मार रहे थे, इन्होंने अचानक से अपना स्प्रे मुझ पर किया था और मेरी आधी हेल्थ भी ले गए। तो अगर रेड डॉट होता तो शायद मुझे डैमेज कम पड़ता, 6x क्लोज में यूज़ कर रहा था इसलिए शायद से मुझे डैमेज ज़्यादा पड़ा। तो हील करेंगे, फिर एड्रेनलिन मार लूँगा, जिसका नाम एड्रेनलिन नहीं होता बट हमने इसका नाम बिगाड़ रखा है, ये यूज़ करेंगे। फिर मैं आगे अपना किल कंफर्म करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई ये भी रिवाइव हो जाए वापस से, क्योंकि पहले ही हमारे थोड़े कम किल थे। जितने गैस डैमेज देखना आप एंड में, बस फिर आपको लगेगा कि वाकई मेरे किल चोरी हुए हैं। अब एंड में ना डैमेज देख के जाना। मुझे नज़र आया नॉक वाले भैया, इनको हमने कंफर्म किया। अब आप देखोगे मैंने यहाँ पे देख लिया था पत्थर के साथ भाई खड़े हुए हमारे, वो देखो गाइस वो नज़र आया आपको सामने। फिर मैंने यहाँ पे उनको भी डाउन किया घास के अंदर से स्प्रे करके, और अब आखिरी बंदा बचा जिसको मैं जम करके ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पक्का सांप बना होगा। मैं अपनी टीम को बोला भाई साथ में आ जाओ, मुझे नॉक किया तो आप बचा लेना। और फिर मैं 6x की वजह से यहाँ पे नॉक होता हूँ, हल्का सा डैमेज दिया था मैंने, और मेरी टीम इनको मार देते हैं। ये भाई मुझे ही कंफर्म कर रहे थे भाई क्या दुश्मनी है मेरी आपसे। और फिर ये देखो MVP वाले नशे गाइस, सस्ते नशे, हमें नहीं मिलता MVP, बट कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फाइनली हमें मिला विनर, विनर चिकन डिनर। और ये देखो क्राउन 5 हो गया, अभी 4 हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी, तो 3-2-1 एस आपके सामने जाएंगे। और ये देखो गाइस डैमेज देखो 2900 का डैमेज है और 14 किल है, मतलब डैमेज डबल से भी ज़्यादा है, तो हमारे बड़े किल चोरी हुए। वीडियो कैसी लगी गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना अनॉनिमस की पब्लिक। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना अपडेट्स के लिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। और मेरा सेकंड चैनल भी है गाइस, जहाँ पे मैं फेस कैम के साथ ना कमेंट्री करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो आप उसको जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू अनॉनिमस पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।